मैं पता है अरूप की भी रेड आई हो गई है, अरूप को भी ये होती है मोहब्बत की निशानी। हाँ तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है, रुक जाओ। अरूप नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है। लेके आए थे आपको याद है? मैं वो कॉल करके पूछ लेता हूँ। हमारी ड्राइवर जो है अब बन गई है अरूप, अरीब जो है जरा भी नहीं सोया, और इस गाड़ी में अब अरूप है, इकरा है और अरीब है, और हम लेके आएंगे छोटे छोटे बच्चों को। निकालो यार बर्गर शर्गर निकालो, बड़े वाले फ्राइज मेरे, छोटे वाले आपके। हम लोग वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और यार तुम लोग को पता है कि हमारी जो है आंख लाल हो गई थी, इन्फेक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से जो है ना मुझे इस तरह टर्मिनेटर की तरह फिरना पड़ रहा है। मेरी भी आंख लाल हो गई है। तुम्हें मेरे से तो नहीं लग गया कहीं? पता नहीं क्या करूं। ड्रॉप्स डालो मेरे पास हैं। मुझे दर्द बहुत हो रही है। लग गया कन्फर्म लग गया। तुम मेरे साथ क्यों लेट थे? अब कोई मेरे पास ना है यार, रुक दूर हो जाओ मेरे से, दूर हो जाओ, जाओ दूर हो, मुझे फटाफट। भाई अरूप को भी जो है इन्फेक्शन हो गई है, वही मेरे वाली। इजी हो जाओ हाथ अपना आंखों में लगाना मत, ठीक है? ये तुम्हें हो गई है, कंफर्म इन्फेक्शन हो गई है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं। तो अभी सत्यानाश ये हुआ है कि ना सिर्फ अरूप को लग गई है इन्फेक्शन, बल्कि मेरे पहले इस आंख में था, अब इस आंख में भी लग चुकी है। भाई ये क्या सीन है यार, ये मेरे ख्याल से पैंडेमिक शुरू हो गया भाई, कोविड की तरह, वायरस की तरह ना, ये भी कोई वायरस आ गया। खैर एनीवेज वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया होगा तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दो। हम लोग जो है इकरा का निकाह अटेंड करने आए हुए थे इधर पहाड़ों में, और भाई क्या व्यू है इधर, साफ सुथरा जो है माहौल है, बड़ा अच्छा माहौल है भाई। और आज हम लोग जा रहे हैं कतर। हम लोगों को पिछली वीडियो से याद होगा कि आपके भाई ने जो है आईफोन 15 प्रो मैक्स लेने के लिए कतर जाना था, तो हमारी आज फ्लाइट है। क्या प्लान है साथ, किस तरह से निकलना? यार हमने निकलना इकरा रीब के साथ ही है वापस, लेकिन बीच में एयरपोर्ट आता है रास्ते में इस्लामाबाद में, वहां से मैं सीधा कतर चले जाऊंगा, मेरी रात की फ्लाइट है। और बाकी का मजीद सफर जो है तुम अकेले करूंगी, अकेले गाड़ी ले आना लाहौर सीधा, 4 घंटे का मोटरवे का सफर है, चुप करके ले आना स्मूथ। ठीक है मेरे बच्चे शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। तो अभी जो है ना नाश्ता कर लेते हैं, हमारे पास फ्राइड एग्स हैं, साफ पराठे वगैरह हैं। ओए 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 आओ यार नाश्ता करें यार, आजो। ये आंख की अब टेंशन ना लो, हो गया जो होना था अब। ओए ओए हुल मजा आया, नाश्ता वगैरह मंगाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, फिर तुम लोगों को मिलते हैं आगे। क्या प्लान है भाई? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। कैसा लग रहा है डे वन ऑफ बीइंग मैरिड? अरीब जी अच्छा सुबह हम पहले मिले हैं तो ये भी मैं देखी हॉस्पिटल, मैं भी देखी ऑकवर्ड सा सीन हो गया, शर्म आ रही है, पता नहीं खौफ हो रहा है, बात आनी चाहिए। फाइनली जो है इकरा और अरीब का निकाह का फंक्शन खत्म हो गया, तुम्हें पता है अरूप की भी रेड आई हो गई है, अरूप को भी ये होती है मोहब्बत की निशानी, ही गॉट इन्फेक्टेड लाइक वाइज। मैंने भी इसको गया अरूप, हम एक साथ ही जलील होंगे भाई। यार अभी हम निकलने लगे, हमारा लास्ट डे था अल्पाइन में, क्या प्यारी जगह है ये, इनके ओनर है अली भाई, बहुत अच्छी जगह आपने बनाई है यार, इंशाल्लाह आएंगे लाजमी नेक्स्ट टाइम भी। तुम लोग व्यू देख सकते हो क्या लेवल का व्यू है, सर्दियों में जो है ना ये पूरा सफेद हो जाता है बर्फ से, सर्दियों में भी चक्कर लगाएंगे। अभी जो है पैकिंग शैकिंग करते हैं, तैयार व्यार होते हैं फिर निकलते हैं भाई। 3 hours later यार बस हम लोग निकल रहे हैं वापसी को, गाड़ियां हमारी रेडी हो गई हैं, ये लोग निकल जाएंगे लाहौर के लिए, हमें जाना पड़ेगा सीधा एयरपोर्ट, हमारी फ्लाइट है कतर की। सामान वगैरह रख लिया, बैग रख लिया है, खाना शाना रख लिया है, तुम्हारे अलावा सब कुछ रेडी है भाई। तुम भी आती हैं? नहीं ड्राइव कर लेगी वापसी पे? हाँ वोटरवे में सीधा सीधा तो कर लेगी, आप अकेले जाना, मैं और अरूप साथ साथ ही होंगे ना, धागा बांध लेना ना गाड़ी को यार पीछे से, गाड़ी पीछे जंजीर बांध लेना, जल्दी से डबल चेक कर लो फिर लेट्स गो। अकेले अकेले जा रहे हैं भाई, सब कुछ रेडी है, पासपोर्ट लेने जा रहे हैं। ओ रुक जल्दी से पैक चेक करना, पासपोर्ट पड़े तुम्हारे पास? पासपोर्ट मेरे पास है, रुक जाओ, आई थिंक माय लैपटॉप के बैग में ही डाला है, जल्दी चेक करो, फ्रंट सीट पे देखो, फ्रंट सीट पे अरुण नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है, अल्लाह की कसम पासपोर्ट नहीं है भाई, अल्लाह की कसम, नहीं मजाक कर रहे हैं, अल्लाह की अगर होता तो इस पॉकेट में होता, नहीं मैंने छुपाया नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ यार, पागल सब ने नहीं छुपाया, प्रॉमिस। किसकी आपने जिम्मेदारी लगाई थी? लेके आए थे आपको याद है? मैं वो कॉल करके पूछ लेता हूँ, घर पूछे ना, होटल में तो नहीं छोड़ा है? नहीं होटल में तो निकाला ही नहीं है, आप कर लो पूछ लो। हाँ जल्दी से ऊपर जाओ मेरे कमरे में जाके देखो कि मेरा पासपोर्ट पड़ा हुआ है, 2 मिनट जल्दी करो ना, इधर 10 सेकंड बाद जाके जवाब दे रहे हैं। इजी हो जाओ साथ, आई होप के ना मिले, मैं नहीं भाई 4 घंटे की ड्राइव कर सकती मोटरवे पे, लेकिन उसने फ्लाइट वगैरह सब कुछ बुक करवाया। नहीं मुझे लग रहा है अगर घर पे ना हो तो फिर होटल में होगा, जल्दी करो। हाँ दराज खोलो साथ की साइड ड्रॉअर में देखो, पड़ा हुआ है। ओ
प्यास बैठ, अब क्या होगा? अब आप भी हमारे साथ, अरूबा अकेले नहीं जाएगी, आप भी हमारे साथ लाहौर चले। मैं वही देख रहा हूँ, पासपोर्ट दिखाओ मुझे। ओ तेरी परा हुआ है, परा हुआ है भाई। मेरी कतर की फ्लाइट थी, मेरा पासपोर्ट कर रहा है क्या भाई? इन आंखों के साथ ऐसे कैसे जाते तुम? दो गुस्ताख मोटी मोटी आंखों में, गुस्ताख मोटी मोटी आंखें। कोई ना कोई बेहतरी है साल में, कोई ना कोई आता है बेहतरी रखे हमारे लिए। ब्रदर ये जो 11 बजे वाली फ्लाइट है जल्दी से मेरी कैंसिल कर दो, मेरा पासपोर्ट लाहौर रह गया तो वो पॉसिबल ही नहीं है टाइम पे आना। क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, अकेले अकेले जा रहे थे धीरे धीरे वो पीछे। भाई काम खराब हो गया, शुक्र है मुझे टाइम पे पता लग गया, एयरपोर्ट नहीं गए भाई। मैं इतनी खुश हूँ अल्लाह का शुक्र। अरूप चुप करके बैठ जाओ बस, अरूप मेरी आईफोन की प्री बुकिंग हुई है कतर में, चुप करके बैठ जाओ, मेरा बड़ा टाइम पैसा जाया हुआ है भाई। ये बात याद रखना, जो भी होता है उसमें अल्लाह ताला ने आपके बीच रखी होती है भाई। पासपोर्ट घर रह गया, ये मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ यार? भाई अब जो है ना मुझे इनके साथ लाहौर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी फ्लाइट है अब से 5 घंटे के अंदर, और 3 घंटे तक मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच जाना था, और अब लेकिन हमारा पासपोर्ट पड़ा हुआ है लाहौर, और अब मिल नहीं सकता। चलो अब सीधा लाहौर मिलते हैं भाई। अब तकरीब लोगे जो है ना गाड़ी के पीछे पीछे हम लोगों ने लगा ली है, अब हमें जो है ना इनको फॉलो करके घर जाना पड़ेगा। हमारी अच्छी वाली फ्लाइट थी जो अब फिनिश हो गया भाई। 2 hours later तो यार अभी हम लोग बीच में रुके हैं, रास्ते में रोटी शोटी खाने, खाना शाना खाते हैं, फिर बाकी की ड्राइव रहती है। अभी कितना घंटा, कितना सफर रहता है भाई लाहौर का? 3.5-4 घंटे कर लोगी ना ड्राइव है ज़ैनब? मैं बहुत अच्छी तरह बस ठीक है। हमारी जो है रोटी शोटी आ गई है, बर्गर है। यार तुम अकेले अकेले खाई जा रही हो? है ये पकड़े। हाँ पकड़ा दो भाई आपका, थैंक यू। यही जा रही थी पता है अरीब, इसको अभी यही बोल रहे थे कि ज़ैनब खाना मंगवा लेती है, खाती नहीं है, अपने ये चीज। को खाना खाना बच जाए तो मुझे बता देना, फोन नंबर ले लो मेरा, मैं उसी वक्त आ जाऊंगा भाई। साथ हमारा काम शाम भी हो रहा है ठीक है। कायदे आजम ने जो है फरमाया था काम काम काम, वैसे तो कायदे आजम ने नहाने का भी बोला था लेकिन वो घर जाके नहाएंगे, सही है, बाद में मिलते हैं भाई। A few moments later तो रोटी रोटी खाते हंसते जो है ना बारिश हो गई है स्टार्ट, हम लोग को आवाज आ रही होगी ऊपर जो है ना, बादल भी जो है ना वो लाइटें वाइटें मार रहे हैं। वो चक्करो भाई कोई शोशा लेके आए, देखते हैं क्या करते हैं यार, फ्लॉप नहीं करना सीन। अरोमा बबल ड्रिंक है, देखते हैं इसमें से कौन से बबल निकलते हैं। ओए 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 भाई ये चेक करो, जूस प्रेग्नेंट हो गया भाई। हार दो ज़ैनब, तुम हार दो, ज़ैनब सुई मार अंदर, हार दे चलो जी। ओए जरा गुब्बारे हमारे लिए भी बना दो ना, ये साबुन तो नहीं है बबल? किस चीज का बना हुआ है? नहीं ये लिक्विड कंपनी की तरह से, और इट्स फूड ग्रेड है, शेप इतनी प्यारी है। नहीं शेप देख, ये तो वर्ल्ड कप लग रहा है। मजा आया यार, थैंक यू सो मच यार, बस उसने बबल बना दी है, अब बिल ले आओ जी 15,000 रुपए का। जिस खाने में शोशा ज्यादा होती है वो बिल इतना ही आता है, 20-25,000। अच्छा यार अभी सीन ये हुआ है कि अरीब भाई की जो गाड़ी है ना वो अब अरीब नहीं चला रहा, वो थक गया है, तो उसको मैंने कहा कि वो भी यहाँ पे आराम करे सुकून से। हमारी ड्राइवर जो है अब बन गई है अरूब, अरीब जो है जरा भी नहीं सोया, और इस गाड़ी में अब अरूब है, इकरा है और अरीब है, और हम लेके आएंगे छोटे छोटे बच्चों को, हम ज़ैनब को लेके आएंगे घर तक छोड़ के आएंगे, टेंशन नहीं लेनी, मैं बड़ा प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ भाई, सुकून से आना भाई। इकरा इसकी आंखें बंद हो रही है मुझे बता देना भाई, सुकून से चलाना है ठीक है, मैं तुम्हारे आगे आगे रहूंगा ठीक है, डन हो गया, ओके अल्लाह हाफिज़। चलो इसी बहाने ऑडी चला लेंगे हम। आओ जी तुमने भी आराम करना, कर सकती हो सुकून से। हाँ हाँ इजी ओके आराम करो, वही हम चीते सीधा पहुंचते घर। तो अरूब लोगों जो है हमने अपने पीछे लगा दी है ठीक है, मैं चला रहा हूँ अरीब की गाड़ी, बारिश भी हो रही है तुम लोग देख सकते हो थोड़ी थोड़ी, लेकिन अरूब को जो है ना काफी अच्छी ड्राइविंग आती है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अरीब जो है वो बेचारा सुबह का जाग रहा, काम शाम कर रहा, तो वो काफी सोने वाला हुआ है, तो उसको जो है ना हमने ड्राइविंग नहीं करने दी, मैंने कहा मैं ही ले आता हूँ गाड़ी। आपने कहीं खाना हो कुछ पीना हो मुझे बता देना, रोक देंगे, पेट फुल है, कुछ प्यास वगैरह लगी हो मुझे बता देना ठीक है, पहले टेंशन ही लेनी भाई। बस तुम लोग को मिलते हैं यार लाहौर में। अभी हम लोग जो है ना मैकडॉनल्ड्स वगैरह उतर रहे हैं इधर पेट्रोल पंप पे, कुछ खा पी लेते हैं ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं आगे जहाँ पे भी जाना है। यार एक स्ट्रॉबेरी कर, हाँ मुझे एक पाइनएप्पल कर दो, एक ब्लूबेरी कर दो, बड़े बड़े स्कूप डालना, बड़े बड़े। चुप कर कुत्ते। हाँ जी चलाई जा रही है, नींद आ रही हो मुझे बता देना। अभी जो है ना हम लोग खाना शाना खाने उतरे थे ठीक है, वापस हम लोग की गाड़ी चलाएंगे, अरूप जो है ये वाली चला के इकरा अरीब को ले आएगी, सुकून से लेके आना भाई। ओके मिलते फिर। जुदा कर दिया हमें। ओके लेकिन हम तो खाएंगे ज़ैनब के साथ फ्राइज। निकालो यार बर्गर शर्गर निकालो, बड़े वाले फ्राइज मेरे, छोटे वाले आपके। बर्गर भी है इसमें? ओए होए 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 क्या बात है भाई, ऐसे ही खाता हूँ मैं।
घंटे तक का अभी तक सफर रहता है। मैं बहुत थक गया यार आज। तो ऐसे ज़ैनब को हम लोगों ने जो है बेहोशी की दवाई दे दी है, अब इसको सुकून से किडनैप करके ले जाते हैं। मजाक करो, सो गई है बेचारी थक हार के। स्विमिंग पूल बना हुआ है पूरा लाहौर। तो भाई 1 hour later ओ कार आ गया ही काकी, घर आ गया ज़ैनब, उठ जो। पैसा फाइनली पहुंच गए हम। अरु छा गई हो कसम से भाई। हाँ अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ड्राइव करके आई हो 6 घंटे। रेस्ट वेस्ट किया? मैंने तो किया यार, थैंक यू बहुत ऑफ यू यार। आपने किया रेस्ट वेस्ट? किया मैं बता सिंगल से सो रहा है, कभी सिंगल से सो रहा है। मजाल है, एक बार पूछा हो कि लड़की हो लेकिन रूम ने आज बहुत अच्छी ड्राइविंग की है यार। यार नहीं वैसे मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं अरूब की ड्राइविंग की हमेशा बदतरीफी करता हूँ लेकिन अरूब ने आज कमाल कर दिया भाई। अरूब चलो सीधा फटाफट घर ले जो यार, पानी बहुत ही आया है यार, स्विमिंग पूल ही बना हुआ है पूरा भाई। नहीं असल में लाहौर हमारी याद में रो रहा था, बहुत ठंडी मारी अरूब भाई। घर पहुंच गए, चलो फटाफट सामान भी निकाल लो और जाके बिस्तर भी सेट करो बस वहीं यार। आए हां जी, आंखों को क्या कर लिया? अम्मा आंखों को अब देख लेना, वो कुछ हो गया लाल लाल सा। मैं पूरा फंक्शन मैंने एक मिनट भी एंजॉय नहीं किया, सिर्फ आंखें लाल, तो मैं अंधेरे में चश्मा लेके फिर रहा हूँ। आपका कदर क्या बनना था प्रोग्राम वो नहीं? अम्मा जाना था, मैंने वहीं से जहाज पकड़ के जाना था एयरपोर्ट, लेकिन वो पासपोर्ट ही घर रह गया मेरा। मुनीब को मैंने बाद में कॉल करके पूछा कि यार मेरा पासपोर्ट चेक करना, दरवाजे पर आया कि नहीं, कहता पड़ा हुआ है। और मेरी फ्लाइट वहीं से थी, अब मैं लाहौर से मंगा नहीं सकता था, 6 घंटे जाया, वो 6 घंटे तक मेरी फ्लाइट उड़ जानी थी। फिर मैंने वो ट्रैवल वाले को बोल के ना टिकट कैंसिल कर दी। इसका क्या करोगे? तो मैं लाल करवा के बैठ गया हूँ आंखें सारी। अशुभ चश्म होता है और ये एक से दूसरे को लग जाता है, इसको भी जिसको हो उसको अलहदा करना चाहिए। मैंने आपके लिए स्पेशल कमरा बनाया है। आज यही बिस्तर बिछा के जो है ना हम सो जाते हैं भाई। अबे ये बीमारी यार, अबे यार बहादुर यार, पासपोर्ट ही लेके आए हम यार, हमारी फ्लाइट थी वहां से। अब दो गई यार, अब आईफोन 15 प्रो मैक्स तुम दिला दो यार, निकल। मैं तो वहां पे प्री बुकिंग करवाई भी थी भाई, टेंशन नहीं ली। मुझे पता है कि मैंने प्रॉमिस किया है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स लेने जाना है हमने कतर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिमाग खराब हो गया मेरा यार। फोन का इंतजाम हम देखते हैं यहीं से कर लेंगे, ठीक है? नहीं तो हमें 2-3 दिन बाद की फ्लाइट भी मिल रही है, वो देखते हैं हमें क्या करना है, ठीक है? फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, आंख मेरी अभी भी ठीक नहीं हुई। 2-3-4 ब्लॉग अगले जो है हो सकते हैं मैं इसी तरह अंधों की तरह जो है ना अन्ना भर के ब्लॉग करूंगा भाई। तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई ब्लॉग को ज्वाइन कर देना। अंधा बेशक हो गया हूं, एनर्जी वही रहेगी। मिलते हैं कल। ओका।